दोस्तों, जंगल में राज सिर्फ और सिर्फ ताकत का ही चलता है। जिसके पास ताकत नहीं, समझो उसके पास कुछ भी नहीं। अब जरा इस तेंदुए को ही देख लीजिए। ये तेंदुआ अब बूढ़ा हो चला है, जिसका फायदा ये लकड़बग्घे उठा रहे हैं। बेचारे तेंदुए में इतनी ताकत भी नहीं है कि वो अपनी जान बचाने के लिए किसी पेड़ पर चढ़ सके। अब ये लकड़बग्घे तेंदुए को कभी इधर से नोचते हैं तो कभी उधर से। लेकिन थोड़ी देर बाद जब लकड़बग्घे वहाँ से चले जाते हैं तो ये खड़ा होकर एक सुरक्षित जगह पर चला जाता है। अब आप इस दूसरी वीडियो क्लिप को ही देख लीजिए। इसमें ये चीता नदी किनारे पानी पी रहा होता है और इसने पानी के अंदर मगरमच्छ को देख भी लिया है, लेकिन इसके बावजूद ये पानी पीने की गलती कर देता है, जिसका खामियाजा इसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। बेचारा चीता एटीट्यूड में अपनी जान गवा बैठा। अब इस तीसरी वीडियो क्लिप में भी आप देख सकते हैं कि ये शेरनी नदी पार कर रही होती है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि एक खतरनाक मगरमच्छ उसका पीछा कर रहा है, और मौका मिलते ही वो शेरनी पर हमला भी कर देता है। लेकिन शेरनी होशियारी से काम लेते हुए वहाँ से भाग जाती है, वरना आज तो मगरमच्छ इसका शिकार करने ही वाला था। जंगली कुत्ते कितने बड़े दरिंदे होते हैं आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक भैंसे के बच्चे को इन जंगली कुत्तों ने चारों तरफ से घेर रखा है और उस पर बार बार हमला भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद बच्चे की माँ वहाँ पर चली आती है और अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इन जंगली कुत्तों की तादाद कुछ ज्यादा ही होती है, जिसके चलते ये बच्चा जंगली कुत्तों का शिकार बन जाता है। अब जरा इस गेंडे को ही देख लीजिए। ये गेंडा अपनी ताकत के नशे में चूर हाथी पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो हाथी अपनी सूंड उठाकर उसे डराने की कोशिश करता है, जिससे वो गेंडा बात समझ जाता है और वहाँ से निकल लेता है। अब इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि ये गेंडा नदी में फंस जाता है, जिसके बाद पूरी लायन फैमिली इसका शिकार करने के लिए इसे घेर लेते हैं और गेंडा भी नदी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है और कुछ देर बाद वो निकलने में कामयाब भी हो जाता है, जिसके बाद ये पूरी लायन फैमिली को खदेड़ देता है और इस तरीके से ये गेंडा अपनी जान बचाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।